नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी सिंह और वक्त हो गया है एएफसी टुडे के खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको देश विदेश की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 24,500, जिसमें से कुल 775 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, 30 जून तक सील रहेंगी उत्तर प्रदेश की सभी सीमाएं, सार्वजनिक सभाओं पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इलाके में कोरोना को मात दे रहे मरीज, 3 और मरीजों ने कोविड-19 से जीती जंग। डीए कटौती पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, सैन्य बलों और सरकारी कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव डालने की जरूरत नहीं। कोरोना संकट के बीच श्रीलंका ने मांगी भारत से मदद, 40 करोड़ डॉलर करेंसी बदलने की तैयारी। लॉकडाउन में नहीं मिलेगी लखनऊ में किसी प्रकार की छूट, उत्तर प्रदेश में भी रियायत की संभावना नहीं। पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना वायरस की रफ्तार हुई धीमी, शुक्रवार को पहली बार डेली ग्रोथ रेट आई सिर्फ 6%। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज, मना करने पर पुलिस वालों पर हमला, 2 मौलवी समेत 32 गिरफ्तार। गहलोत सरकार का केंद्र पर आरोप, कोरोना की जंग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है गृह मंत्रालय। अभी की खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे एएफसी टुडे न्यूज के साथ।